जब 24 का चुनाव का समय आएगा निश्चित तौर पे जो हमारी बात को मानेगा उसको दोस्त बनाएंगे, जब हमारी बात नहीं मानेगा उसको दुश्मन बनाएंगे, और जो दुश्मन होगा वो दिल्ली के कुर्सी से दूर होगा, जो हमारा दोस्त होगा उनको आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे मजबूती से। फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। जो दोस्त होगा उसको जिताइए, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम कीजिए। निषाद समाज एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, वोट का अधिकार को समझे। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी नहीं सुनेंगे। और आज 500 रुपये में अगर अपनी वोट को बेच देंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है, आपके आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है जहाँ पे निषाद समाज अगर चाह लेगा अपने दम पर 60 लोकसभा सीट जिता सकता है। पटना से 25 तारीख से ही निकला हुआ है ये 101 दिन का ये यात्रा है, बिहार के सभी जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और झारखंड के कुछ जिला में ये पहुंचेगा। तकरीबन 80 जिला में हम लोग जाएंगे और निषाद समाज को हक अधिकार की बात करेंगे। निषाद समाज एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, वोट का अधिकार को समझे। और आने वाला समय में जो लड़ाई है, क्योंकि मोदी हमारा देश एक है, संविधान एक है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी नहीं सुनेंगे। हर एक निषाद का बेटा आपने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पे था और गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाए, अपने पूर्वज को साक्षी मान के संकल्प किया, अपने कुल देवता को साक्षी मान के संकल्प किया कि आने वाला समय में जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे, जो हमारी आरक्षण देगा उनके साथ रहेंगे, जो हमारा दोस्त होगा उनको आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे मजबूती से। लाखों की संख्या में पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा, संकल्प लिया जा रहा है। कुछ लोगों को भ्रम है कि गरीब पिछड़ा दलित का समाज जब चुनाव आएगा तो उस समय हम खरीद लेंगे, और कभी ना कभी वो लोग खरीदा है। तो अभी हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट को 500 रुपये में नहीं बेचना है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचना है। और आज 500 रुपये में अगर अपनी वोट को बेच देंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है, आपके आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। तो संकल्प कीजिए कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, संकल्प कीजिए कि अपने पार्टी अपने दल के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए, पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ रहिए, किसी को जो दोस्त होगा उसको जिताइए, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम कीजिए। तब जाके दिल्ली वाले लोगों को पता चलेगा, जिन लोगों ने हमारा अधिकार को रोक के रखा उनको पता चलेगा कि निषाद का बेटा अब जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसके साथ आपका गठबंधन 24 के लिए अभी बात नहीं होगा, अभी सिर्फ हमारे आरक्षण की बात होगा। निषाद समाज को जो आरक्षण देगा उनके साथ रहेंगे, जब तक निषाद का आरक्षण नहीं होगा तब तक हम किसी का नहीं सुनने वाले हैं। जब 24 का चुनाव का समय आएगा निश्चित तौर पे जो हमारी बात को मानेगा उसको दोस्त बनाएंगे, जब हमारी बात नहीं मानेगा उसको दुश्मन बनाएंगे, और जो दुश्मन होगा वो दिल्ली के कुर्सी से दूर होगा। यूपी बिहार झारखंड में 134 लोकसभा सीट है जहाँ पे निषाद समाज अगर चाह लेगा अपने दम पर 60 लोकसभा सीट जिता सकता है और 60 लोकसभा सीट हरा सकता है, उसी पे अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में इसी तरीके से संकल्प यात्रा। वीडियो है मोदी जी को भेजा जाए, हाँ निश्चित तौर पे ये सारे वीडियो बना रहे हैं, देश के जितने भी बड़े नेता है, चाहे मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, तमाम बड़े बड़े नेता को भेजा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि अभी निषाद का बेटा पहले जैसा नहीं रह गया, अपना वोट को बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया, अभी किसी के गुमराह नहीं होगा, उनके हक अधिकार नहीं दीजिएगा, ये लोग कोई आपको वोट नहीं देने वाला है। तो देश के जितने भी नेता है, जितने भी पत्रकार है, सारे लोगों को हजारों का हजार में वीडियो बना के भेजा जा रहा है। पहले भी आपके साथ धोखा हुआ है बिहार में, वो सब समय आएगा तो सबका भी बदला लिया जाएगा।